और फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में हमने की थी ऊँट की राइड जो कि लास्ट में किया था हमने। इसके बाद हम घर को ही आ गए थे और पहली बार मैं ऊँट में बैठी थी तो बहुत ही खुश थी, एकदम मज़ा आ रहा था। क्लियर नहीं आ रही, और टापू दिख नहीं रहे। सो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बैक मेले से और रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, और वैसे भीड़ अभी हो रही है, ज्यादा लोग अभी आए हैं और टिकट के लिए भी इतनी लंबी लाइन है। तब हम गए थे तब तो हमें सीधे ही टिकट मिल गई थी हमें, तब जैसा कि आपने देखा ही होगा खाली था, लेकिन अभी बहुत भीड़ हो। ये देखो नाइट का व्यू कितना मस्त लग रहा है, एकदम लाइटिंग पूरी, और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। वैसे तो टापू लग रहे हैं पूरे मेले में। और अभी आएगा किंगडम ऑफ ड्रीम जो कि गुड़गांव में है, 1000 रुपये की इसकी टिकट है। हम अभी तक आएंगे यहाँ, देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब, अगर प्लान बन गया कभी तो। किंगडम ऑफ ड्रीम फ्रेंड्स अभी आ गई मैं घर पे, और बत्ती वगैरह भी जला ली जैसे खाया अभी, तो खाना वाना बना लिया है, और टाइम हो रहा है अभी
8:55 हो रहा है, तो मैंने रोटी सब्जी वगैरह सब बना लिया। वैसे तो हमने बाहर खाया था, लेकिन कल फास्ट है तो बिना रोटी खाए मैं अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने रोटी बना ली। तो रोटी सब्जी दोनों हमारा बन चुका है। और वैसे मेला में बहुत ही मजा किया, इंजॉय बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा घूम के पूरा। लेकिन वहाँ पे चीजें ना बहुत ही कॉस्टली थी हर चीज, मतलब मैं कोई भी झूला हो 100 से ऊपर ही था, और सामान भी सारा महंगा ही था वहाँ पे, 100 रुपए से ऊपर ही का हर चीज। तो ओवरऑल मजा आया। तो अभी करते हैं यहीं पे आज की वीडियो को एंड। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए एक दूसरे को, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय 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 बाय। ये पता क्यों कर रही है ऐसे, अभी मैं गोल घूम के ऐसे बाय कर रहा ना, इसलिए अपना भी बाय ऐसे कर रही है।